Realme 2 और Realme C1 को मार्च अपडेट अभी तक क्यों नहीं मिला, ये सवाल मेरे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी ट्रेंड कर रहा है। यहाँ तक कि ColorOS 6 अपडेट भी ट्रेंड नहीं कर रहा है जितना मार्च अपडेट अभी ट्रेंड कर रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में। सभी लोगों को एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि मार्च अपडेट अभी तक Realme 2 C1 को क्यों नहीं मिला। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि बाकी के और भी फोन को नहीं मिला है, सिर्फ Realme U1 को ही अपडेट मिला है। और अगर आप लंबे समय से Realme के यूजर हैं तो आपको पता होगा कि Realme का जब भी अपडेट आता है वो मंथ के लास्ट में आता है। तो अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है मार्च, मार्च में अभी एक सप्ताह और बाकी है। जो आने वाले वीक है उन सभी में आपको Realme 2, Realme 2 Pro, Realme C1, Realme 1 सभी को अपडेट एक साथ मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग इस महीने का जो अपडेट है वो सिर्फ Realme 2 और C1 के लिए ही है, क्योंकि Realme 2 और C1 को अभी कैमरा में अपडेट मिलने वाला है। Realme 2 और C1 दोनों को अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैनुअल मोड दिया जाएगा कैमरा में, और सिर्फ Realme 2 को कैमरा में एक्सपर्ट मोड दिया जाएगा। यानी कि Realme 2 के लिए यह महीना बहुत ही मजेदार होने वाला है। जितने भी लोगों के पास Realme 2 फोन है, आपके लिए फोन में सबसे बढ़िया अपडेट अभी आने वाला है। दो अपडेट आपको मिलेंगे लगातार, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा Realme 2 और C1 का अपडेट डिले हो सकता है। जो मार्च अपडेट में आपको मिलने वाला है वो शायद आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिल जाए, क्योंकि जहां तक जानकारी दी गई है उसके अनुसार आपको दो अपडेट मिलने वाले हैं और दोनों कैमरा के लिए ही अपडेट मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों अपडेट एक साथ मिक्स करके आपको शायद ही वो अपडेट देने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंडे के बाद आपको ट्यूजडे से अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा Realme 2 और C1 यूजर को, और फिर उसके बाद आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी एक अपडेट आएगा जिसमें मैनुअल मोड आपको Realme 2 और C1 को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास Realme U1 है तो जरूर से चेक फॉर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आपके फोन के लिए तो अपडेट आ चुका है, दो या तीन दिन हो गए हैं अपडेट को आए हुए। तो अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला तो चेक फॉर अपडेट कीजिए, या फिर मैनुअली आपको डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। 1.89 यानी कि 2GB का अपडेट है और सभी फोन के लिए लगभग इतना ही अपडेट आएगा। तो आपके पास अगर डेटा की कमी होती है तो डेटा का जुगाड़ कर लीजिएगा, क्योंकि 2GB तक का डेटा आपको इस अपडेट में लग सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दे पाया हूं। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके। और कुछ भी बताना पूछना हो तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई हमेशा से देते रहते हैं। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह के रियलमी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। और ये वीडियो जो शूट हो रही है बीच में ही लाइन चली गई है, आप देख रहे हो अंधेरा सा थोड़ा सा लगेगा आपको, और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है Galaxy M20 के कैमरे से।